देखो क्लास शुरू करने के पहले अगर मोटिवेशन ढूंढते हैं न्यूज़पेपर में से, जो डेली हम करते ही है कि जो खबरें आती है वो हमें क्या सिखा सकती है एक छोटा सा लेसन रोज के लिए, तो उसमें आज जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि शतरंज के जो वर्ल्ड चैंपियन है कांसल, वो अगले साल अपने खिताब का बचाव नहीं करेंगे, मतलब अगले साल वो खेलेंगे नहीं। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा उन्होंने इसलिए किया है कि उनका ये कहना है कि अब उन्हें वो खेल खेलने की अंदर से प्रेरणा नहीं होती, इच्छा नहीं होती। आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद किसी चीज में टॉप मोस्ट होने के बाद भी हमें वहां से कभी ना कभी हटना पड़ता है, अलग होना पड़ता है, और अपनी शरीर और अपनी मानसिक जरूरत के हिसाब से अब आगे मूव ऑन करना पड़ता है। मतलब जब हम किसी एक चीज के प्रति डेडिकेट होकर उस चीज को पूरी तरह से चाहते हैं, उसको पा भी लेते हैं, तो उसके बाद भी हमारी मेंटल कंडीशन इतनी अच्छी होना चाहिए कि हम ये समझें कि हमें इस चीज में कब तक बने रहना है। जैसे आपको याद होगा कि सचिन तेंदुलकर ने जब संन्यास लिया था तो उसने भी इसी तरह से क्लाइम देखी थी, एक ही चीज होगी कि जिस दिन मुझे पहली बार ये रियलाइज हुआ कि आज बिस्तर से उठकर प्रैक्टिस पर जाने में मुझे चिड़ हुई, मुझे इच्छा नहीं हुई, थकान फील हुई, उसी दिन मैंने डिसाइड करने के आएंगे संन्यास लेना। इसका मतलब कि हर एक पर्टिकुलर काम का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एनर्जी का एक लेवल होता है, हाई उसका लेवल होता है, जिसके बाद हमें उस चीज़ से हटना पड़ता है और उस चीज़ के लिए अपने आप को मानसिक तैयार रखना।